दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं और अभी तक आप एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो उससे पहले, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल और सारी इन्फॉर्मेशन डेली मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा यदि आप एग्जामिनेशन में अभी अटेंड नहीं किए हैं या आप एग्जामिनेशन के देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट द्वारा ये बाहर जो बताया जाता है तो वही क्वेश्चन लाइव हिंदुस्तान जो है एक बहुत ही विख्यात न्यूज़पेपर है वहाँ पे प्रकाशित हुआ है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको ये वीडियो बना के आपको बता दिया जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है वो है कि पिछले दिनों आरआरबी ग्रुप एग्जाम देने वाले ललित कुमार ने बताया कि मणिपुर सीएम पर प्रश्न पूछा गया था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का पार्टी का नाम क्या है। तो आपको पार्टी का नाम याद है तो आप टिक मार्क सही कर सकते हैं। ललित ने एक बताया था कि एक सवाल था कि आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ का नाम क्या है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, उसका नाम क्या है। पहले साउथ एशियन गेम किस वर्ष में शुरू किए गए थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1984 में पहली बार यह गेम्स नेपाल के काठमांडू में हुए थे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के कुछ और क्वेश्चन, कौन मॉडल क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन राइबोफ्लाविन कहलाता है, विटामिन बी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणोत्तम किसे माना जाता है, जॉन डॉल्टन को। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद दूध के लेखक कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, पतंजलि। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालत प्रदान करती है, वो एस्ट्रोफियर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। तो ये बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली आप जितने, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछे गए हैं वो कभी रिपीट नहीं हो गए, तो आपको क्या करना है कि जैसे जैसे नए स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं उनके पार्टी का नाम याद रखें, जितने भी बैंक हैं उसके सीईओ का नाम रखें याद रखें। जैसे कि कुछ जो भी बैंक हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा न्यूज़ में आया था, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंक को न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया था, तो उसके सीईओ उसके कहाँ पे ब्रांच है, क्या है, कितने हैं, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप याद कर सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। तो जो भी नया महिला कुछ भी पद ग्रहण करती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको रखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पॉपुलर आते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।